आज बिल्कुल लाहौर चैम्बर इंतखाबात में प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करने वालों का सिलसिला जारी है। आज अंजमन ताजरान रहमान गलियां का वफद सदर अंजमन ताजरान रहमान गलियां चौधरी नवीद अयूब कंबो चेयरमैन हाजी मलिक आसिफ लतीफ़ जनरल सेक्रेटरी राना आसिफुर रहमान की क्यादत में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचा है। आज सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाहीन नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर को मुबारकबाद पेश की गई है। यकीनन प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की कामयाबी में रहमान गलियां ब्रांथट रोड ने तारीखी कारनामात यकीनन अंजाम दिए, भरपूर मेहनत की, स्ट्रगल की इस इलेक्शंस को लेकर। यकीनन अली इमरान जो किस इलाके से कैंडिडेट थे, अली इमरान समेत पूरे पैनल ने तारीखी कामयाबी हासिल की। इस वक्त सारा वफ्त मौजूद है अंजुमन ताजरान रहमान गलियां का, आप देख सकते हैं जो साहब यकीनन आप सब ने भरपूर मेहनत की। अंजुमन ताजरान रहमान गलियां के आप प्रेसिडेंट हैं, यकीनन ये एतमाद का इजहार था पूरी मार्केट का अली इमरान आसिफ लतीफ़ और प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की पूरी क्यादत पर। क्या कहना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज्जुमन तशा वतज़िल्लुमन तशा बियदिकल खैर। इसमें कोई शक नहीं कि इज़्ज़तें अल्लाह ताला की दी हुई हैं। आज हम स्पेशली यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं ताकि अपने साथियों को वेल कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें और उनको मुबारकबाद दें। ये तारीख साज इस दफ़ा काम हुआ है कि 30 की 30 सीटें जो है चैम्बर वालों ने जीत ली हैं। ये कोई छोटा काम नहीं, मामूली काम नहीं है। इसमें जो है साथियों की भरपूर मेहनत और हाजी आसिफ लतीफ़ साहब का स्पेशल जो किरदार है इसमें किसी डका छुपा नहीं है। इन्होंने दिन रात एक करके जो है वोटर्स को निकाला है। सपोर्टर्स तो सारे थे मगर वोटर्स को निकाल कर लाना बाहर ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है जो इन्होंने सर अंजाम दिया और इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि कामयाबी की सूरत में इनको मिला भी है। 5 सदूर अब तक रहमान गलियों से आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मोर देन 5 से जो है ना इंक्रीज होगा, 6, 7, 8, 9, 10 इंशाल्लाह ताला ये तादाद जो है बढ़ती ही जाएगी। रहमान गली का चैम्बर के साथ जो है चोली दामन का साथ है। आज आपने देखा कि मियां मोहम्मद अली भी रहमान गलियों से थे, अली इमरान भी रहमान गली से थे, उमर सरफराज का भी अगर देखा जाए ननियाल रहमान गलियों से ही है, राना नदीम साहब का भी रहमान गलियों से ताल्लुक़ है। इस तरह बहुत सारे जो है ताल्लुकात रहमान गलियों के साथ मुसलसल हैं और हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छे में नंजमन ताजरान रहमान गलियां हाजी मलिक आसिफ लतीफ़ मौजूद हैं। यकीनन सर एक मुश्किल इलेक्शन था, उन सब के बावजूद ये टीम चौधरी नवीद की क्यादत में आपके साथ खड़ी रही और एक तारीखी कामयाबी हासिल की अली इमरान ने और पूरे पैनल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सबसे पहले मियां अंजम सार साहब को और पूरी उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी सारी टीम रहमान गलियों की ब्रांथ रोड जो भी हमारे साथ साथी थे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये कोई मुश्किल इलेक्शन नहीं था। क्यों मुश्किल नहीं था कि हमारे साथी हमारे साथ एक ग्रुप की तरह चल रहे थे, हमारे अंदर कोई मुनाफ़त नहीं थी, हमारी एक ताकत थी। जिसको भी रात को फ़ोन किया, चोरी साहब को रात के 2 बजे फ़ोन किया, चोरी साहब ने कहा हाँ जी बताएं, मैं जी फलां बंदे के पास जाना, चोरी साहब ने कहा यार मैं उससे फ़ोन करता हूँ। चोरी साहब हमारे साथ थे और पूरी रहमान गली हमारे साथ थी और ब्रांथर रोड था। और मैं तो यही कहूँगा कि ये इलेक्शन मुश्किल नहीं था क्योंकि साथी हमारे साथ थे, इसलिए हमें ये मुश्किल लगा ही नहीं, इसलिए ये बड़ा आसान इलेक्शन था। और इंशाल्लाह ताला इससे भी मुश्किल क्या, इससे भी आसान आएंगे इलेक्शन। 9 मुंतखब इसी मेंबर हैं, यकीनन पूरी मार्केट का और पूरे लाहौर का साथ रहा उनके साथ जिसके बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की। अली भाई यकीनन ये सारे सीनियर्स मौजूद हैं जिन्होंने एतमाद का इजहार किया है एक जंगस्टर पे, यकीनन बहुत सी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। क्या ये जो एक रिवायत है आपके वालिद की खिदमत की उसको बरकरार रखें? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला इस रिवायत को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं सबसे पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कल एक प्रपोज़ल प्रेजिडेंट साहब को हमने दिया था कि 1 विंडो ऑपरेशन जो आपके नीचे चल रहे हैं उसको इंक्रीज़ कर दें। आपने देखा अभी 24 आवर्स भी नहीं उस प्रपोज़ल को हुए और उन्होंने आज उसका आगाज़ शुरू कर दिया। तो हम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बैठे हैं, यहाँ पे कोई सरकारी इदारे की तरह नहीं पहले आप प्रपोज़ल भेजे फिर आगे एक्सेप्टेंस होगी फिर एक और डिपार्टमेंट में आपको चक्कर लगवाते जाएंगे। हम स्विफ्टली इंशाल्लाह ताला बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करेंगे और जो भी इनके मसले मसाइल जो पीछे नहीं हल हुए वो इंशाल्लाह ताला हम हल करने की कोशिश करेंगे। जी माशाल्लाह जी, मैं माशाल्लाह इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं तो सबसे पहले अंजम निसार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे भाई को चुना और रहमान गली से टिकट दी
अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी और इतने बड़े वोट अल्लाह ने दिए कि अनएक्सपेक्टेड। तो अब मैं चाहूँगा कि अली इमरान हमारा बाजू बन के यहाँ पे बैठें और हमारे ताजरों के मसाइल हल करने हैं। हमने यहाँ बैठना नहीं है, हमने यहाँ बैठ के काम करना है। खुद है सर, क्या खुशी है अब चूँकि अली इमरान और उमर सरफराज की सूरत में ये सारे कैंडिडेट अब लाहौर चैम्बर में पहुँचे हैं, कम्युनिटी की खिदमत के लिए कैसा जज्बा भरा है इनके लाहौर चैम्बर? मेरा ये ख्याल है कि ये अब यानी ये टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और जिस तरह इलेक्शन कम्पेन में काम हुआ है हर बंदे ने अपनी अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से ऐसे तरीके से निभाई है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। हर बंदे ने अपना एक समय ले मुहाज जो है ना वो रख लिया कि यह मैंने यहाँ पे काम करना है और काम करके दिखाया। उसका रिजल्ट ये है कि आज अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, और अल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये टीम बेहतरीन टीम है, और इंशाल्लाह ताला खुसूसन रहमान गलियों के लिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये दिल यानी बढ़ चढ़ कर काम करेगी, और इनसे जो हमारे मसाइल हैं वो ट्रैफिक के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, पानी के खास तौर पे मसाइल हैं, उसके लिए ये एक समय लें कि हमारी ठंडी हवा का झोंका कह लें ये अली इमरान भाई कि ये अब तो हम में से ही हैं, बच्चे हैं हमारे, तो हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारे मसाइल पिछले 50 साल से हल नहीं हो सके वो इंशाल्लाह ताला हल हो सके। ये है कि मुबारकबाद देना चाहेंगे और बड़ी खुशी है कि अली इमरान जो हमारे इलाके का वो इसी मेंबर बना है, और उम्मीद है कि काम अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारी तौकात है वो उन पर ये पूरा उतरेंगे। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहाँ डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल, मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें